आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो आप बोल सकते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर जिसका मध्य बिंदु ये है और r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो दोबारा सुन लीजिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मध्य बिंदु है, तो ये वाली लेंथ जो है वो L हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी हमारी L हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये लेंथ हमारी L हो जाएगी, ये वाली लेंथ L और ये वाली लेंथ L। अगर हमारे पास, अब इसे ऐसे समझिए, हमें ये वाली लेंथ दे रखी है L और ये वाली लेंथ है R। अगर हमारे पास दो भुजाएं हैं लंब और आधार, तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा, लंब कितना है r, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तब k बराबर आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगी, तो ये आ गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वाली लेंथ जो है हमारी वो सॉल्व होकर के आ गई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और जब आप इस लेंथ को सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम है, कुछ खास नहीं है, ये l और ये r, इस तरीके से हमारी ये भी लेंथ निकल आएगी। तो इस तरह से हमारी दो लेंथ निकल आई हैं। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश, ये रहा माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी एक ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो शुरू करते हैं, देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये रही, तो यहां पर भी यही है। अब हम आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण यहां पर वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे हम, तो आएगा, इसे हमने नाम दे दिया VA, अलग नाम भी दे सकते हैं, V1 भी बोल सकते हैं आप। तो VA बराबर आ गया 1/4πε0 k और q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप जानते हैं कि वैद्युत विभव के व्यंजक के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 k और q अपॉन r। यहां पर r जो है वो हमारी लेंथ होती है, लेंथ होती है, तो हम यहां पे क्या है, लेंथ चेंज हो गई है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो इस r की जगह पे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां तक आ जाएगा हमारा VA बराबर, इतना आ गया, बोल देंगे समीकरण एक, ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकला है, वो सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकला है। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो VA बराबर 1/4πε0 के सेम हो जाएगा, और यहां पर क्योंकि आवेश माइनस है तो माइनस लगा देंगे और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि दूरी जो है दोनों की सेम है। अब देखेंगे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कुल विभव। अब बिंदु पी पर जो है वो दो विभव हैं, एक विभव ये रहा और एक विभव ये रहा, तो बिंदु पी पर जो कुल विभव आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे वी बराबर बी ए प्लस बी बी। वी ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1/4πε0 k q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर आएगा प्लस 1/4πε0 k माइनस q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ये रही हमारी, बी बी की वैल्यू, बी बी जो है इसकी वैल्यू ये रही, तो इसे हमने यहां लिख दिया। अब हम जानते हैं कि आवेश जो है वो किसका है, ये माइनस का है, तो ये जो माइनस लगा हुआ है
प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम इसी स्टेप पर डायरेक्ट इस प्लस को माइनस कर देते हैं और यहां से माइनस को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही एक जैसे हैं, तो दोनों ही दूसरे से कट जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा आपका जीरो। अगर आपसे पूछे कोई कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में या उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, तो आप बोल देंगे कि वैद्युत विभव शून्य होता है या जीरो होता है। इस तरीके से हम वैद्युत विभव को निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं।